दोनों टीमें आपस में मुठभेड़ कर रही हैं और ये बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत ही शानदार गोल ये मार रहे हैं, खचा खचा भेड़ के लिए झगड़ा हो रहा है, कट मार अंदर की साइड पे और गोल। Sorry guys, this video is going to be in Hindi. तो आज दोस्तों हम आपके लेके आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड, एक ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में जो है रग्बी से भी ज्यादा खतरनाक, फुटबॉल से भी ज्यादा रोमांचक और T20 से भी ज्यादा। अरे ओवर एक्टिंग तो कम करे यार। तो मित्रों आज जिस स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है कोकबुरु। कोकबुरु जिसे हॉर्स रग्बी भी बुलाया जाता है, एक इक्वेस्ट्रियन गेम है जिसकी शुरुआत सेंट्रल एशिया के नोमैड्स। भाई साहब हिंदी में भी बोल ले क्या यार, बंजारों ने लगभग 1000 साल पहले की थी। फिर धीरे धीरे 10वीं सदी से 15वीं सदी तक बंजारों के माइग्रेशन के साथ कोकबुरु चाइना और मंगोलिया तक भी फैल गया। देखिए दोस्तों, कोकबुरु एक प्राचीन किर्गिज शब्द है जिसका अर्थ है ब्लू जी, मतलब नीला भेड़िया। किर्गिज के हरे भरे पहाड़ी मैदानों में भेड़ बकरियों को चरा के अपना पोषण किया करते थे। अब जहाँ इतनी सारी भेड़े होंगी वहाँ भेड़िए तो आएंगे। तो होता ऐसा था कि नोमैड्स की पाली गई भेड़ों का शिकार करते थे भेड़िए, तो अपने मासूम खाने भेड़ों को बचाने के लिए किर्गिज बंजारों ने भेड़ियों का शिकार करना शुरू कर दिया। तो देखिए उस जमाने के किर्गिज बंजारे बड़े ही भोकाली हुआ करते थे, शिकार करे हुए भेड़ियों की डेड बॉडी को फुटबॉल की बॉल की तरह यूज करके घोड़ों पे भागते हुए एक दूसरे को पास किया करते थे और इसी तरह जन्म हुआ कोकबुरु खेल का। फिर धीरे धीरे किर्गिज की पहाड़ी मैदानों में भेड़ियों के नंबर कम होने के कारण भेड़ियों की जगह भेड़ों और बकरियों ने ले ली। वेरी आयरोनिक। हिंदी सॉरी विचित्र विडंबना है। ओह माय गॉड। और इसी कारण कोकबुरु को अफगानिस्तान में बुजखैशी यानी गोट ड्रैगिंग भी बुलाया जाता है। मॉडर्न कोकबुरु को पोलो और रग्बी के बीच का मिक्स कहा जा सकता है। बस अंतर यह है कि कोकबुरु में बॉल की जगह भेड़ या बकरी की डेड बॉडी को यूज किया जाता है। कोकबुरु में दो टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और हर टीम में 12 प्लेयर होते हैं। एक बार में हर टीम से सिर्फ 4 प्लेयर ही मैच में हिस्सा ले सकते हैं। कोकबुरु एक 200 मीटर बाय 70 मीटर की बहुत बड़ी फील्ड के ऊपर खेला जाता है और रग्बी के ही जैसे हर टीम का मकसद उलाक यानी भेड़ की बॉडी को राइवल टीम की साइड में बने गोल पोस्ट में डालकर गोल करना होता है। 4 मीटर के डायमीटर और 1 मीटर की हाइट के इस सिलेंड्रिकल आकार के गोल पोस्ट को किर्गिज भाषा में कदान कहा जाता है। जो टीम सबसे ज्यादा बार भेड़ की डेड बॉडी को कदान में डाल के गोल करती है वही एंड में गेम जीतती है। तो दोस्तों ये तो हो गई कोकबुरु की हिस्ट्री। अब सेकेंड हाफ में हम आपके लेके आए हैं एक बहुत ही रोमांचक हाईलाइट्स एक कोकबुरु गेम की जिसे हमने अपने ड्रोन से किर्गिस्तान में शूट किया था। गेम की शुरुआत होते ही दोनों टीमें आपस में मुठभेड़ कर रही हैं उलाक यानी भेड़ की खाल को अपने कब्जे में लाने के लिए, जिसका उपयोग सॉकर या रग्बी की बॉल की तरह इस गेम में यूज होता है। देखते हैं किस टीम के हाथ में भेड़ आई है और ये लगता है ब्लू वाली शर्ट पहने हुए कि प्लेयर के हाथ में भेड़ है और वो टर्न मारते हुए भागते हुए गए हैं आगे की तरफ गोल की तरफ। इसका मतलब है उनकी टीम को मौका दिया जाएगा अगर भेड़ को पकड़ के गोल में डालने के प्रयास करने का। देखते हैं बॉल किसके हाथ में जाती है और ऑरेंज वाले खिलाड़ी और ग्रे वाले खिलाड़ी में भेड़ के लिए झगड़ा हो रहा है और बॉल अभी भी ऑरेंज वाले खिलाड़ी के पास में गोल करने के लिए जा रहे हैं। देखते गोल कर पाएंगे नहीं, आसपास बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और राइवल टीम के प्लेयर ने उनसे भेड़ ले ली है और कट मारते हुए दूर से वापस आते हुए गोल की तरफ उन्होंने गोल कर दिया है। राइवल टीम ने गोल कर दिया, बहुत ही शानदार गोल अंदर। और ये फिर से सेकेंड हाफ की शुरुआत होते हुए और ये बहुत ही अच्छी कोशिश लेकिन नाकाम और इस बार इन्होंने पकड़ा और ये मार रहे हैं खचा खचा चाबुक चाबुक मार रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये कोशिश बड़ी अच्छी और डाल दी है, बहुत ही अच्छा एफर्ट यहाँ पे लाल शर्ट वाले प्लेयर के लिए प्लेयर के साथ। और ये फिर भागते हुए बॉल को पकड़ने के लिए पकड़ लिया और इस बार छोड़ने का इरादा नहीं और डाल के रहेंगे और डाल दिया। देखिए इन्होंने डाल दिया, बहुत ही डालने में एक्सपर्ट हैं ये और इन्होंने डाल दिया फाइनली भेड़ को। बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं। अभी यहाँ पे फिर से भेड़ को पकड़ने के लिए कश्मकश चल रही है चलती रही और ये ऊपर से हम ड्रोन का शॉट देख रहे हैं किस तरीके से दोनों को कॉर्नर करने की कोशिश गई। एक टर्न मारा गया भगाते हुए, एक बहुत ही अच्छा टर्न कट किया तीनों प्लेयर से बचाते हुए चाबुक खाते हुए ये बॉल को अपने बस भेड़ को छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो घोड़े को भगाते हुए मारने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और ये इसका कोई अंत निकल पाया। बहुत अच्छी कोशिश लेकिन नाकाम अभी भी, लेकिन भेड़ उनके कब्जे में है तो आशा है कि इसको गोल में डाल सकते हैं। पकड़ा हुआ है ग्रे शर्ट वाले ने, गिरा दिया है फिर से। अभी मैच का शुरुआत हुआ है, दोनों टीम के खिलाड़ी आ गए हैं, प्रतिद्वंदी ने बहुत भेड़ पड़ने की कोशिश की और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने डाला नॉक और धक्का मक लगे हुए हैं ऐसा लग रहा है कि
पता नहीं कौन सा इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है यहाँ पे, इस तरीके से लग रहा है भारत पाकिस्तान की। और बेचारी भेड़ कुचली जा रही है, यहाँ देखा जा रहा है घोड़े के पांव दले, वैसे ही मर चुकी है लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा ये एनिमल क्रुएल्टी कहा जा सकता है। लेकिन ग्रे वाले प्लेयर के हाथ में फिर से भेड़, और नेपाल बहुत ही बढ़िया पास दिया, पास देते हुए पकड़ रहे हैं, और उन्होंने लाल वाली शर्ट का प्रयास है लेकिन पकड़ लिया है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे ग्रे शर्ट वाले भेड़ को पकड़ते हुए लेके गए सीधे, बहुत ही अच्छा कट मारा अंदर की साइड पे, और गोल। और देखिए प्लेयर गिर गए हैं ग्रे वाले, बहुत अच्छी कोशिश की थी लेकिन लगता है अपने घोड़े से गिर गए हैं, और उनके साथ ही बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, भेड़ को पकड़े हुए हैं, देने का नाम नहीं है, कट करने की कोशिश जा रही है यहाँ पे, कहीं ओपनिंग नहीं मिल पा रही है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन मिल गई ओपनिंग और बॉल के यहाँ से चली गई है लाल वाले, और लाल वाली टीम को मिल गई है बॉल को मिल गई है, डालने का प्रयास किया था लेकिन वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर आ गए, वो भागते हुए लेके जा रहे हैं और गिरा दी भेड़। और इसी के साथ एक बहुत ही रोमांचक गेम का अंत हुआ।